नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रेया है और मैं आप लोगों को जो विषय पढ़ाने वाली हूँ वो है उद्यमिता। और उद्यमिता में हमारा आज का चैप्टर है उद्यमितीय या साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि अवसर किसे कहते हैं, अवसर के कितने प्रकार होते हैं, अवसर तथा एक उद्यमी के बीच कैसा संबंध होता है, अवसर बोध किसे कहते हैं, अवसर बोध के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अवसर किसे कहते हैं। देखिए, सामान्य शब्दों में अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थितियों के संयोग से लाभ उठाना होता है। अब वर्तमान परिस्थितियाँ, देखिए वर्तमान में जो चल रहा होता है उसे ही वर्तमान परिस्थिति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो वर्तमान में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग हमसे पढ़ रहे हो, यही है वर्तमान परिस्थिति। तो अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थिति के संयोग से लाभ उठाना होता है। अवसर का यह संयोग हमेशा और प्रत्येक के जीवन में आता है। कुछ लोग इसे पहचान कर इसका लाभ उठा लेते हैं तो कुछ हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाते हैं। चूँकि अवसर में अस्थायित्व नहीं होता है, अतः यह कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। जैसे अस्थायित्व, अब आप ऐसे समझ लो जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, ट्रेन से जाना है आपको, ट्रेन कोई आएगी तो वो क्या ये देखेगी कि हाँ मेरा ये पैसेंजर नहीं बैठा, मुझे अभी नहीं चलना चाहिए? नहीं, एक समय रहता है ट्रेन का, वो उस समय पे आती है और जिस समय से जाना होता है वो चली जाती है। जो बैठता है वो भी ठीक है, अगर कोई नहीं बैठा वो भी ठीक है। तो सेम वही चीज़ अवसर में भी होता है कि अवसर कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। जिसने लाभ उठाया ठीक है, जिसने नहीं उठाया वो भी ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं कि अवसर की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो देखिए, अवसर की उत्पत्ति मानवीय आवश्यकताओं से होती है। एक तरह से जहाँ मानवीय आवश्यकता उत्पन्न होती है, अवसर वहीं छिपा होता है। देखिए, विज्ञान में भी हम सब ने पढ़ा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर समय देखना है तो लोग रेत का इस्तेमाल करते थे। एक रेत वाली घड़ी आती थी कि रेत नीचे गिरा तो उस पर एक एक ये निशान लगा होता था कि 1 बजे 2 बजे ऐसे बजा। पर जब लोगों की एक आवश्यकता उत्पन्न हुई कि नहीं, हमें एक निश्चित समय देखना है कि हाँ कितने बज के कितने मिनट हो रहा है, तो उसके लिए घड़ी बनाई गई। वैज्ञानिकों ने घड़ी बनाया, दीवार घड़ी बनी, लेकिन फिर क्या हुआ, एक तरह से कुछ और दिन बीता, लोगों ने सोचा कि नहीं हम अभी जहाँ हैं हमें वही टाइम देखना है, तो उसके लिए भी कलाई वाली घड़ी चलने लगी। अब तो कई सारी घड़ी आ गई हैं। तो समय देखने के लिए एक तरह से मतलब आवश्यकता उत्पन्न हुई तो वैज्ञानिकों ने वो आविष्कार किया। ठीक वही चीज़ उद्यमिता में भी होती है, वही चीज़ अवसर के साथ भी होती है। जहाँ मानवीय आवश्यकता होती है वही अवसर होता है। जैसे कि अभी पहले क्या होता था कि अगर मतलब दाढ़ी बनवानी है किसी को तो उसे नाई की दुकान पर ही जाना पड़ता था। तो एक आवश्यकता लोगों की उत्पन्न हुई, मानवीय आवश्यकता, कि मान लीजिए हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में हैं या फिर कहीं और हैं, तो वहाँ अगर हमें दाढ़ी बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? तो उसी के लिए अब क्या हुआ कि कुछ व्यवसायी थे जिन्होंने एक मतलब अपना एक सोचा कि हाँ इसके लिए कुछ तो करना चाहिए, अगर मानवीय आवश्यकता है तो यहाँ लाभ मिलेगा। तो उन्होंने व्यवसाय शुरू किया कि सेफ्टी रेजर बनाया। कई सारी कंपनियों की आती हैं, गोदरेज की आती है, कई सारी, और ये कंपनियां आप देखेंगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा लाभ भी होता है। तो वही चीज़ होती है कि एक तरह से हम मतलब अवसर का अर्थ यही है कि हम मानवीय आवश्यकता तलाशें कि किस जगह पे किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर आपको कोई दुकान भी खोलनी है तो भी आप ये तलाशेंगे ना कि हाँ मुझे जिस एरिया में दुकान खोलनी है वहाँ पर लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है, लोग किस चीज़ के लिए दूर जा रहे हैं, उन्हें ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो अगर आप उस एरिया में उस चीज़ की दुकान खोलेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा लाभ होगा। वही चीज़ अवसर में देखा जाता है। और एक तरह से ये चीज़ सोचना, ये पता लगाना, यही अवसर कहलाता है। तो अवसर को हम उस आर्थिक विचार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसे लाभ कमाने के लिए व्यावसायिक उद्यम के रूप में परिवर्तित किया जा सके। मतलब एक मैं एक ऐसे दुकान खोलूँ, एक ऐसा व्यवसाय करूँ जिससे मुझे लाभ भी हो और लोगों की आवश्यकताएँ भी पूरी हों। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अवसर किसे कहते हैं। कल हम जानेंगे कि अवसर के कितने प्रकार होते हैं, अवसर तथा उद्यमी के बीच कैसा संबंध होता है। धन्यवाद।